हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। तो इसे बनाने के लिए मैंने यहाँ पर एक कप साबुत मूंग ली है और उसी कप से हाफ कप चने की दाल ली है और इन्हें मैंने अच्छे से धो करके और इसे भिगो करके 5 से 7 घंटे के लिए रख दिया था। ये अच्छी तरह से फूल गए हैं, तो अब हम इसे पीस करके दरदरा सा इसका पेस्ट बना करके तैयार करेंगे। तो इन्हें मैंने मिक्सर जार के अंदर डाल दिया है। इसमें ऐड कर लेते हैं 6 से 7 लहसुन की कलियां और थोड़े से अदरक के टुकड़े और टेस्ट के अकॉर्डिंग हरी मिर्च। तो मैंने यहाँ पर तीखी वाली हरी मिर्च ऐड की है, मुझे इसे तीखा बनाना है। आपको जितना तीखा पसंद हो आप इसमें मिर्ची ऐड कर सकते हो। और इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी काली मिर्च और इसे बगैर पानी के ही पीस करके तैयार करना है। तो आप देख सकते हो इसे मैंने बहुत ज़्यादा बारीक भी नहीं पीसा है और बहुत ज़्यादा दरदरा भी नहीं किया है। तो बस इसी तरह से आप भी पीस करके तैयार कर लीजिएगा। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी है गर्म होने के लिए और इसमें ऐड कर लेंगे 1 बड़ा चम्मच रिफाइंड ऑयल और 1 बड़ा चम्मच सफ़ेद तिल और 1 छोटा चम्मच जीरा और इसे चटकने देते हैं। और अब इसमें ऐड कर लेंगे पानी। अब यहाँ पर हमें सूजी का डो बनाना है, तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी सूजी ली है, तो मैं इसमें 2 कटोरी पानी ऐड कर रही हूँ। और अगर आप कप से मेजर करके ले रहे हो तो आप 1 कप सूजी के लिए 2 कप पानी का यूज करें। और अब इसमें ऐड कर लेंगे, मैंने 2 सूखी हुई लाल मिर्च को कूट करके ऐड किया है। आप चाहें तो इसकी जगह पर चिली फ्लेक्स भी ऐड कर सकते हो। और इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हरा धनिया और टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड करेंगे। और जब इसमें थोड़ा सा उबाल आ जाए तब इसमें ऐड करेंगे सूजी। तो मैंने यहाँ पर जिस कटोरी से पानी ऐड किया था ना, उसी कटोरी से 1 कटोरी सूजी ऐड की है। अब यहाँ पर गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखना है और इसे लगातार चलाते हुए पकाना है जब तक ये थिक ना हो जाए। तो आप देख सकते हो ये पूरी तरह से थिक हो गई है। तो अब हम इसे ढक करके रख देंगे ताकि जो सूजी है ना ये अपने भाप में भी थोड़ी सी पक जाए। अब यहाँ पर सूजी थोड़ी ठंडी हो जाए तब इसे किसी थाली या प्लेट में निकाल लेना है। तो इसके पहले थाली या प्लेट में ऑयल लगा करके उसे ग्रीस कर लेना है और उसके बाद इसमें निकाल लेना है ताकि जो सूजी है ना वो बर्तन से चिपके नहीं। और थोड़ा सा हाथों में भी ऑयल लगा करके हाथों को चिकना कर लेना है और तब इसे मसल मसल के इसका एक सॉफ्ट सा डो तैयार कर लेना है। तो चलिए डो तैयार कर लिया मैंने। अब इधर दाल को जो पीस करके रखी थी ना उसे इस बाउल में निकाल लेते हैं और इसमें ऐड करेंगे कुछ मसाले। तो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून हल्दी ऐड की है, 1/2 टीस्पून लाल मिर्च का पाउडर और 2 चुटकी हींग ऐड कर लेंगे। और अब इसमें ऐड कर लेते हैं स्वाद के अनुसार नमक और थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया और इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो चलिए जब तक हम सूजी का रोल तैयार करेंगे ना तब तक हम इधर पानी को गर्म कर लेते हैं। तो मैंने कढ़ाई में पानी ऐड कर लिया है और इसमें रख देते हैं ये होल वाली प्लेट या फिर कोई छन्नी जिसमें रोल को स्टीम किया जा सके और उसे थोड़ा सा ऑयल लगा करके ग्रीस कर लेना है और इसे ढक करके गर्म होने देना है। अब जो मैंने सूजी की डो तैयार करके रखी थी ना उसमें से एक लोई तोड़ेंगे और इसे इस तरह से रोल कर लेंगे और इसे किसी प्लेट या थाली के ऊपर थोड़ा सा ऑयल लगा करके चिकना कर लेंगे और उसके ऊपर इस तरह से रख करके हाथों से इसे फैलाते जाएंगे। और इसे इतना बड़ा करना है ना कि जब इसे उठाएं ना तो ये टूटे नहीं, मतलब अच्छे से हैंडल हो सके। और अब क्या करेंगे ना कि इसके ऊपर जो हमने पेस्ट तैयार करके रखी थी ना दाल की, उसे इस तरह से इक्वली स्प्रेड कर लेना है और इसे अच्छे से अंदर की तरफ से फोल्ड करते हुए दबाते हुए मतलब इसे रोल कर लेना है। तो अब आप देख सकते हो बस इसी तरीके से इसे रोल करके तैयार कर लेना है। एक एक करके जितने भी रोल हो बन सके मतलब उतना रोल तैयार कर लेना है। तो मैं यहाँ पर एक और रोल बना करके दिखा देती हूँ। आप इस रेसिपी को जरूर से ट्राई कीजिएगा, बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत ही झटपट से बन करके तैयार हो जाती है और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट लगती है। तो आप इसे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा। तो इस तरह से जितने भी रोल बन सके उतने रोल बना करके तैयार कर लेना है। तो चलिए मैंने सारे रोल्स बना करके तैयार कर लिए हैं और इधर पानी जो है ना गर्म हो चुका है। तो अब हम इसे स्टीम होने के लिए रख देते हैं प्लेट के ऊपर और इसे ढक करके मीडियम फ्लेम पर 12 से 15 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। तो चलिए 15 से 17 मिनट हो चुके हैं, तो अब हम इन्हें चेक कर लेते हैं। ये बहुत ही अच्छे से स्टीम हो गए हैं और दाल भी अच्छे से पक गई है। तो चलिए अब हम इसे निकाल करके रख देते हैं ठंडा होने के लिए।
अबे अच्छे से ठंडे हो गए हैं तो अब हम इन्हें निकाल करके दूसरी प्लेट में रख लेते हैं और अब इन्हें पतले पतले स्लाइसेज में कट कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सारे रोल को कट करके तैयार कर लिया है और आप चाहें ना तो इसी तरह से भी इसे खा सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। या फिर इसे सेलो फ्राई, डीप फ्राई, जैसे भी आपको पसंद हो आप उस तरीके से इसे फ्राई करके खा सकते हो। तो मैं इसे थोड़े से ऑयल के साथ फ्राई करूँगी। मैंने पैन में 2 चम्मच रिफाइंड ऑयल ऐड किया है और इसमें ऐड किया है थोड़ा सा जीरा, थोड़ी सी राई और थोड़े से हरी मिर्च ऐड कर लेंगे और इन्हें थोड़ा सा चटकने देंगे। जब ये अच्छे से चटक जाएंगे ना तब हम इसमें ऐड करेंगे जो रोल को स्लाइस करके रखा है ना इसे, और इसे टॉस करते हुए फ्राई कर लेना है। तो चलिए मैंने इन्हें अच्छे से फ्राई कर लिया है और अब हम इसके ऊपर से डाल देते हैं थोड़ा सा हरा धनिया। तो फ्रेंड्स हमारा ये टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन करके तैयार हो गया है। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और आज की मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय।